राज्य की अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों को राज्य सरकार द्वारा आरटी के छात्रों की फी की रकम नहीं दी गई, उसी वजह से आने वाले सत्र में आरटी के प्रवेश नहीं देने का निर्णय ईसा संगठन द्वारा लिया गया है। ऐसा पत्र परिषद के दौरान ईसा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र दायमा इन्होंने कहा है। राज्य के अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को बीते 7 सालों से आरटी अंतर्गत 25% मुफ्त प्रवेश दिए गए। हर साल करीबन 1 लाख छात्रों को प्रवेश दिए जाते हैं। इन प्रवेश दिए गए छात्रों की फी देने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन बीते 4 से 5 सालों से यह फी की रकम स्कूलों को नहीं दी गई है, जिस कारण अब स्कूल संचालकों पर अपने स्कूल को ताला लगाने तक की नौबत आ गई है। शासनाकडून आम्हाला एकच अपेक्षा आहे की त्यांनी त्यांची जबाबदारी पूर्ण पाडावी, कारण गेल्या 4 ते 5 वर्षाचा आरटी फी परतावा इंग्रजी शाळांचा बाकी आहे। हजारो कोटी रुपये शासनाकडे थकित आहे, यामुळे इंग्रजी शाळा ह्या आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहे। शासनाला आमची विनंती आहे, एकतर त्यांनी आम्हाला पैसे द्यावे, अन्यथा आरटी प्रवेश हे बंधनकारक करू नये। आणि आमच्या ईसा संघटनेचे जेवढे शाळा आहे ज्यांना परतावा मिळालेला आहे त्या शाळा प्रवेश देणार आहे। ज्या शाळांना गेल्या 4 ते 5 वर्षाचा परतावा मिळालेला नाही आहे त्या या वर्षीच्या आरटी प्रवेश देणार नाही आहे। बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय ईसा संघटनेने घेतलेला। हे सगळं ऑनलाईन पोर्टलवर माहिती उपलब्ध आहे, जेवढे विद्यार्थ्यांचे प्रवेश दिलेले आहे त्यांची सगळी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया आहे, शासनाकडे सगळी माहिती आहे। पण स्थानिक अधिकारी काही ना काही कारण करून शाळांना फी परतावा देण्यापासून टाळत आहे, त्रास देण्यात येत आहे, याचा आम्ही निषेध करतो आणि शासनाला विनंती करतो की या विषयाकडे त्यांनी गांभीर्याने लक्ष घाला। राज्य सरकार ने आरटी के प्रवेश देकर छात्रों को शिक्षा देना यह एक सरकार की अच्छी योजना है, लेकिन सरकार कब तक इन अंग्रेजी स्कूलों को फी की रकम देती है ये तो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकार के गैर जिम्मेदाराना हरकत के कारण कई छात्रों को आरटी प्रवेश से वंचित रहना पड़ेगा। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, NBCN न्यूज़ नागपुर।